कल हमने करवा चौथ का फास्ट रखना है, इसलिए हम आज लुधियाने के फेमस शॉप पर आए हुए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं यहाँ। वाह, कलरफुल बैंगल्स एक से एक बढ़ के हैं। वाह, वैसे तो मुझे रेड कलर की चूड़ियाँ लेनी है, क्योंकि कल जो मैंने सूट पहना है वो गोल्डन कलर का है। वाह, वैसे तो मुझे घुंघरू वाली चूड़ियाँ बहुत पसंद है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं हम जो चूड़ियाँ लेके आए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। रेड वाली मेरी है और वेलवेट वाली जो हैं वो मेरी बेटियों की हैं। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? इट इज़। अब 11 बज गए हैं और मेहंदी लगाने का टाइम हो गया है। आज मैं अपनी बेटी को कह रही हूँ कि मेरी मेहंदी लगा दो, बिकॉज माई एल्डर डॉटर सी इज़ वेरी क्रिएटिव, सी हैज़ वेरी क्रिएटिव हैंड। ये देखिए किस तरह से वो लगा रही है मेरी मेहंदी, खूबसूरत सा डिज़ाइन डाला हुआ है उसने, कितना सुंदर डिज़ाइन है। मैं आपको अब दिखाती हूँ, उसने पूरे हैंड पे मेरे लगा दिया है, देखिए कितने खूबसूरत हैं, है ना, वेरी लवली। और मैं आपको बताती हूँ कि वो बहुत क्रिएटिव है, उसके एक दो मैं आपको आर्ट भी दिखाती हूँ। वैसे तो उसने बहुत सारे बनाए, उसमें से एक दिखाती हूँ, एक विंटर सीन है और एक रेन सीन है, देखिए कितना क्रिएटिव वर्क है उसका। अब हम पूजा की विधि स्टार्ट करने लगे हैं और अब सब आ रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं उनका। कथा सुनने से पहले सबको चावल देते हैं और हाथों में मौली बांधते हैं, इस तरह से फिर कथा सुनाई जाती है मौली बांध के। अब हम कथा की तैयारी करेंगे। चावल में करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और उन्होंने अपनी बहन को खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने कहा कि आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्र दर्शन कर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से बहन की यह हालत देखी नहीं गई और उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी से चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली घास को वह एकत्रित करती। अब हम चाय पी रहे हैं, पूजा के बाद में चाय पीते हैं और बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। और बस आज मून, वी विल बी एबल टू सी द मून एट 8:18 एंड आफ्टर दैट सेम पूजा विधि अर्घ वगैरह देना है, जो भी होता है वो सब किया जाएगा। अब चाय पीने के बाद में हम खाना बनाएंगे। चांद निकल आया है और बच्चे टेरेस में पहुंच गए हैं और मुझे आवाज़ें लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम भी टेरेस पे अब जल्दी से पहुंच जाएं। चलो अब हम भी पहुंच गए हैं। Thank you.
टुडे आई हैव मेड दाल मखनी शाही पनीर राइस एंड चपाती ऑल्सो इट्स वेरी लेट मी टेस्ट इट यम्मी एक्चुअली माई हस्बैंड हेल्प मी अ लॉट टुडे इन द मॉर्निंग एज वेल एज नाउ ऑल्सो इन चॉपिंग वर्क एंड और भी उन्होंने बहुत हेल्प किया है। और अगले दिन हम फिर शिव मंदिर आए जो हमारे एरिया में है, बहुत माना हुआ मंदिर है और है भी बहुत प्यारा और बड़ा। हमने शिव जी का ब्लेसिंग लिया और जो भी हमने मांसा हुआ था वो हम मंदिर में चढ़ाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ अब नहीं है तो मैं मंदिर में ही जाके चढ़ाती हूँ। अब आपको मैं सारा मंदिर दिखाती हूँ, देखिए देखिए कितना सुंदर है ये मंदिर। इसके बाद हम गौशाला जाएंगे क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, वो कनाडा में अपनी फादर स्टडी के लिए गया हुआ है। लो हम गौशाला पहुंच गए, अब हम यहाँ का व्यू भी आपको दिखाते हैं। वैसे तो हम एनिवर्सरी हो या कोई भी बड़ा दिन हो तो हम ज़रूर गौशाला आते हैं, पट्टे चढ़ाते हैं और गौओं की थोड़ी बहुत सेवा करते हैं। ये देखिए यहाँ का व्यू आपको, यहाँ से पर्ची कटा लो। आज मेरे हस्बैंड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, देखिए वो किस तरह से लड्डू खिला रहे हैं गायों को और मुझे भी कह रही हैं खिलाने के लिए। वैसे मैं गाय से डरती हूँ, चलो फिर भी मैं खिला देती हूँ, देखती हूँ। वाह मैंने खिलाई दी उनको। अच्छा चलो अच्छा लग रहा है मुझे भी।